दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर किसी भी योद्धा को जंग जीतनी है तो उसके पास जो हथियार हैं वो सर्वोत्तम हथियार होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के हथियार होने चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपका जो हथियार है स्टॉक मार्केट के, अगर आप एक ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, तो वो होता है डीमैट अकाउंट। अगर आपका डीमैट अकाउंट अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपका ध्यान जो है वो छोटे छोटे इश्यूज की तरफ ज़्यादा रहेगा, ना कि आप फोकस कर पाएंगे अपनी ट्रेडिंग पे, अपने निवेश के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझसे फुल टाइम ट्रेडर्स या निवेशक एक सवाल बहुत बार पूछते हैं कि हम एक बेस्ट डीमैट अकाउंट का चयन कैसे करें अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं या निवेशक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण फीचर्स या जिनको कह लीजिए कि 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, या जो फीचर्स, जो सुविधाएं आपके डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर या निवेशक हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, इसके बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जो फुल टाइम ट्रेडर है वो उस डीमैट अकाउंट का चयन करे जो ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो भी ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करता है, बेसिकली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपके ट्रेड में और ब्रोकर के ट्रेड में, क्योंकि वहाँ पे आप भी ट्रेड कर रहे हैं, आपके ट्रेड की जानकारी आपके ब्रोकर के पास है। तो अगर वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर रहा है आपका ब्रोकर, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उत्पन्न यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आप इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पे अगर मुझे उदाहरण देना है तो मैं यहाँ पे फायर्स जो ब्रोकर हैं उनका एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई भी ब्रोकर जो है अगर वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करता है तो वहाँ पे आपका जो पैसा है उस ब्रोकर के पास वो हाई रिस्क पे होता है। आपने पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ भी देखी होंगी जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट्स के फंड्स हैं उनका मिसयूज़ किया गया, और ये जो मिसयूज़ है दोस्तों वो बेसिकली आपके फंड्स जो हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, या उनका एक मिसयूटिलाइजेशन होता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। और वहाँ पर अगर ब्रोकर को बहुत भारी अगर नुकसान हो जाए तो वहाँ पर ब्रोकर के पास जो आपका पैसा है वो सुरक्षित नहीं रहता। दूसरा दोस्तों, अगर कोई ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता तो वहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रोकर के पास, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं या जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं, उसके किसी भी तरह के मिसयूज़ होने का या ब्रोकर के द्वारा फ़ायदा उठाए जाने का कोई भी स्कोप नहीं होता, कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो भी फुल टाइम ट्रेडर है या निवेशक है उसको अपना अकाउंट ऐसे ब्रोकर के पास खोलना चाहिए जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता। और उसका उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी दिया, जो फायर्स ब्रोकर हैं उनका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। दोस्तों, यहां पे अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एपीआई। इसके बारे में हम अपने चैनल के ऊपर काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि हमें एपीआई नहीं मिल पा रही है अपने ब्रोकर के पास। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आप अपना एनालिसिस खुद करते होंगे। तो जो भी फुल टाइम ट्रेडर है या निवेशक है उसको मालूम है कि अपना एनालिसिस करना कितना महत्वपूर्ण होता है, और अपना एनालिसिस करने के लिए आपके पास अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए जो कि आप धीरे धीरे बना सकते हैं समय के साथ साथ। जैसे जैसे आप मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते जाएंगे और ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको एक API की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी।
दोस्तों यहाँ पे मैंने कई बार जिक्र किया कि कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को फ्री API देते हैं, तो काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि भाई ऐसे कौन से ब्रोकर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री API देते हैं। नॉर्मली ब्रोकर उसके लिए चार्ज करते हैं, नॉर्मली ये फीस जो है दोस्तों 500 रुपये या 1000 रुपये पर मंथ होती है, प्लस उसके ऊपर GST भी लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फुल टाइम ट्रेडर्स या निवेशक हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है API लेने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शकों ने कमेंट्स के द्वारा मुझे एक फीडबैक शेयर किया कि जो फायर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को API बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि किस तरीके से आप फ्री में API ले सकते हैं अपने ब्रोकर से, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रोकर जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए उसका डाउन टाइम, जो भी फुल टाइम ट्रेडर है या निवेशक है वो डाउन टाइम को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये बात आपको काफ़ी बार क्लैरिफाई भी कर चुका हूँ कि कई बार डाउन टाइम जो है वो एक्सचेंज की तरफ से होता है, तो वो अगर डाउन टाइम एक्सचेंज की तरफ से है तो सभी ब्रोकर्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रोकर का प्लेटफॉर्म किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो है काम नहीं करता, जिसकी वजह से फुल टाइम ट्रेडर्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो काफ़ी दर्शक फुल टाइम ट्रेडर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसका डाउन टाइम सबसे ज़्यादा कम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ब्रोकर्स के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उनका क्या फीडबैक है उस पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में, और उसी फीडबैक के बेसिस के ऊपर आप अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट का चयन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, खास तौर पे अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो हैं अपने क्लाइंट्स की जो सिक्योरिटीज़ हैं या उनके जो शेयर्स हैं वो अपने ब्रोकर पूल अकाउंट या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर रखते हैं, ना कि वो क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों आइडियल सिनेरियो के अंदर जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ब्रोकर क्यों करते हैं, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके शेयर्स जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है लेकिन ब्रोकर के पूल अकाउंट या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट में है, तो वहाँ पे अगर डिविडेंड दिया जाता है तो शायद आपको मालूम ना पड़े, वो बात आप शायद पॉइंट आउट या नोटिस ना कर पाए और वो जो डिविडेंड है वो ब्रोकर के पास चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कि अगर आपके शेयर्स ब्रोकर पूल अकाउंट या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट में है तो उनके मिसयूज होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ समय पहले एक बहुत बड़े ब्रोकर थे जिन्होंने अपने क्लाइंट्स के शेयर्स को प्लेज कर दिया, तो वो शेयर्स अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो उसके अंदर मिसयूज होने की संभावना शून्य के बराबर है, लेकिन अगर वो शेयर्स ब्रोकर पूल अकाउंट में हैं या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट में हैं तो वहाँ पे मिसयूज होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो भी शेयर्स हैं आपके कैश सेगमेंट के अंदर वो आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, ना कि ब्रोकर पूल या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट में। यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ना कि उनको अपने पूल अकाउंट में या ब्रोकर बेनिफिशियरी अकाउंट में रखते हैं, तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ऐसे कुछ ब्रोकर्स के नाम मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पांचवा और आखिरी पॉइंट है ब्रोकरेज। दोस्तों अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप ट्रेड या निवेश करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होती है किसी भी ब्रोकर का चयन करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, उनका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहे आप ब्रोकर ए के साथ हों या ब्रोकर बी के साथ हों, आपको वो चार्जेस देने
पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर GST है, CTT है या STT है, तो ये चार्जेस स्टैंडर्ड होते हैं, ये सभी ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर या निवेशक हैं, तो आपको जिस भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना है, तो वहां पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये ब्रोकर कितनी ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो आपको ये कंपैरिजन मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे जो हैं हिडन चार्जेस होते हैं, जिनके बारे में आपको शायद मालूम भी ना पड़े। तो खास तौर पे जो हिडन चार्जेस होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये हिडन चार्जेस होते हैं जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल या मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, सेफ्टी और कस्टोडियन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, डीमैट चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। तो इस तरह के काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो कि आपको कंपेयर करने ज़रूरी हैं, और इसी कंपैरिजन के बाद आप अपने ब्रोकर का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी फुल टाइम ट्रेडर या निवेशक हैं, उन्होंने मुझसे जो भी सवाल पूछे थे, उन सभी सवालों का जवाब मैंने आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, आज के वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह नहीं है कि आपको जो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है, आप उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।